नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, ये क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट करते हैं. ओके, देखिए, अजर्शन एंड रीजन से क्वेश्चंस हैं, तो इसे हमें कर लेना चाहिए. फर्स्ट, इसका जो अजर्शन है वो कह रहा है कि पावर मॉस्फेट्स जो हैं, राइट, पावर मॉस्फेट्स हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट विच कॉम्बैट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्मल रनअवे. ओके, बिकॉज रीजन क्या दिया है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट रिजल्ट्स इन डिक्रीज लेवल ऑफ रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड कॉजेज थर्मल रन अवे. तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो इसीलिए इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गेट इटसेल्फ इज मेड ऑफ मेटल. ओके, सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स एंड ड्रेन यूजिंग मेटल ऑक्साइड. गेट खुद ही मेटल का बना होता है, सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम सोर्स एंड ड्रेन. तो इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली मॉस्फेट्स हैव टू मेंटेन ए पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट. दिस मीन्स देर इज लिटिल नो चांस ऑफ थर्मल रन अवे. ऑन स्टेट लॉसेज भी लोअर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्रॉम एज अ PLD प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इज दैट इट्स डिजाइन कैन बी चेंज्ड एंड मॉडिफाइड रैपिडली. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. रीजन इज द प्रॉम कैन जनरेट एनी पॉसिबल लॉजिक फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स बिकॉज इट जनरेट्स एवरी पॉसिबल एंड प्रोडक्ट टर्म. सो दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो द आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन. ओके, वाई? बिकॉज प्रॉम मीन्स क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक फंक्शन, राइट. इट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड प्रोग्रामेबल रॉम. इन दिस यूजर हैज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द बाइनरी इंफॉर्मेशन. ओके, यूजर हैज द एबिलिटी टू मॉडिफाई बाइनरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली वंस. इलेक्ट्रिकली एक ही बार वो बाइनरी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकता है. इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एंड एरे होता है. फिक्स्ड एंड एरे होता है डिजाइंड एज अ डिकोडर. डिकोडर एंड इसमें क्या होता है, प्रोग्रामेबल और एरे होता है. एंड आप कह सकते हो कि इसमें प्रोग्रामेबल और एरे होता है, राइट. अब इसमें आप देखिए कि तो आंसर इसका क्या होगा, फिक्स्ड एंड एरे, प्रोग्रामेबल और एरे एंड और एरे फ्यूज टेक्नोलॉजीज डन बाय वायर. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्रोपोर्शनल कंट्रोल द एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर द कंट्रोल एक्शन इन अ कंट्रोल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल. इट इज डिजायरेबल दैट कंट्रोल सिस्टम बी ओवर डैम्प्ड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्विक रिस्पॉन्स. द आंसर विल बी स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. वाई? इन प्रोपोर्शनल कंट्रोल वॉट हैपन्स, सी, इन प्रोपोर्शनल कंट्रोल जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है फॉर द कंट्रोल एक्शन, मतलब ये जो सिग्नल होता है फॉर द कंट्रोल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल. दैट इज आप कह सकते हो कि विच इम्प्लाइज जो आपका प्रोपोर्शनल सिग्नल, अगर यूटी एक्चुएटिंग सिग्नल यूटी है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल ईटी, राइट. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यूटी इज इक्वल टू केपी ऑफ ईटी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यूएस अपॉन ईएस इज इक्वल टू केपी. तो यूएस क्या है, एक्चुएटिंग सिग्नल है, ईएस एरर सिग्नल है, केपी प्रोपोर्शनल गेन है. ओवरडैम्प्ड सिस्टम क्या होता है, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होता है जिसमें डैम्पिंग फैक्टर ग्रेटर देन वन होता है. इट वुड नेवर अलाउ द सिस्टम टू रीच द डिजायर्ड एंड स्टेट एंड इट्स वैल्यू इज मोर देन वन. तो सिस्टम रिस्पॉन्स बहुत स्लो हो जाता है, वेरी स्लो हो जाता है, एंड द वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो कोड्स एग्जिबिट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बिट एरर प्रोबेबिलिटी दैट इज वेरी क्लोज टू द शैनन लिमिट एंड कैन बी एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड फॉर हाई स्पीड. ओके, सो इट स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड रीजन इज रीजन क्या दिया है, कन्वोल्यूशन कोड्स प्रोवाइड वर्स परफॉर्मेंस इन नॉइजी चैनल्स वेयर अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द बिट्स आर इन एरर. तो यहाँ पे जो है ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों है, ठीक है, ये आपको देखिए क्या होता है कि जो ये आपको दिया हुआ है टर्बो कोड्स, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स
sorry statement convolution codes both the statements इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या दिया है इसने कि टर्बो कोड्स में परफॉर्मेंस होती है टर्म्स ऑफ BER बिट एरर प्रोबेबिलिटी बिट एरर रेट के टर्म्स में क्योंकि ये क्लोज टू द शैनन लिमिट होता है एंड इट कैन बी एफिशिएंट ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है. अब इसमें बोला है कन्वोल्यूशन कोड्स प्रोवाइड वर्स परफॉर्मेंस इन नॉइज चैनल. ठीक है तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा आई थिंक ये आंसर जो है नॉइजी चैनल्स में ये वर्स परफॉर्मेंस तो देगा वेर हाई प्रपोर्शन ऑफ द बिट्स आर इन एरर. जब भी चैनल नॉइजी होगा तो हाई प्रपोर्शन ऑफ बिट्स बहुत एरोनियस हो जाएंगे. सॉरी ये भी सही स्टेटमेंट है तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर JFET एंड MOSFET राइट. MOSFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है आपका बिल्कुल सही है. BJT इज स्लोअर देन FET ये भी सही स्टेटमेंट है. एंड इनपुट इम्पिडेंस ऑफ MOSFET इज ग्रेटर देन JFET ये भी सही स्टेटमेंट है. लीकेज करेंट्स आर जीरो इन FET ये गलत है. MOSFETs आर स्लोअर देन JFET ये भी गलत है राइट. क्यों ये आपको मालूम होगा. आपको इसके जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है MOSFET का मेगाम्स में होता है मेगा ओम्स में होता है तो ये तो बिल्कुल सही है. और जो इसमें आपकी गेट लीकेज करंट होती है जो ये आपका MOSFET है गेट लीकेज करंट इसमें ज़ीरो नहीं होती है लेस इन MOSFET होता है. इट इज़ लेस इन MOSFET दैट मीन्स ये आपका 10^-12 एम्पियर होता है पिको एम्पियर बोल दो. और JFET जो होता है लीकेज करंट जीरो नहीं होती है लीकेज करंट MOSFET में मोर होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 नैनो एम्पियर. ठीक है और क्या इसने बोला है MOSFETs आर स्लोअर देन JFET. स्विचिंग स्पीड MOSFETs की हाई होती है गलत है ये हाई होती है. ओके इसीलिए जो इसका राइट स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा. ठीक है यहाँ पे एक्चुअली मैंने लैपटॉप ठीक तो कराया है लेकिन अभी भी मुझे मूव करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग थर्मल सेंसर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट फॉर एन एप्लीकेशन. देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा सबसे पहले थर्मिस्टर होता है फिर उसके बाद क्या होता है थर्मोकपल होता है. ठीक है फिर उसके बाद जो होता है IR फोटोडायोड होता है IR इंफ्रारेड फोटोडायोड होता है फिर RTD होता है RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर. तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट. ठीक है इसकी जो कॉस्ट होती है थर्मिस्टर की वेरी लो होती है और जो थर्मोकपल होता है इसका मॉडरेट होता है फोटोडायोड का मॉडरेट टू हाई होता है एंड RTD का सबसे ज़्यादा होता है. मैं लिख देती हूँ RTD का हाई है. ठीक है फोटोडायोड का मॉडरेट टू हाई होता है. ठीक है एनीवे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये थर्ड ऑप्शन. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर. रुकिए शायद कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है ये जो आपने बताया मुझे हाँ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस अगर आप देखो तो बेकेलाइट की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है ये लेस देन पेपर होती है इसकी लेस देन टेफ्लॉन होती है और इसकी लेस देन माइका होती है. तो इसका राइट आंसर ACD भी होगा. दैट मींस यहाँ मेरा ये ACDB होगा तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नॉइज जनरेटेड बाय द देम. देखिए सबसे ज़्यादा नॉइजी क्या होता है डायोड जो होता है इट जनरेट्स बोथ इसमें शॉर्ट नॉइज भी होती है एंड फ्लिकर नॉइज भी होती है. फ्लिकर नॉइज लो मॉड्यूलेशन नॉइज भी बोलते हैं इसको ड्यू टू डायोड करंट. ट्रांजिस्टर में नॉइज जनरेटेड बाय BJT इसमें एक थर्मल नॉइज होती है. ठीक है जनरेटेड बाय बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस. दूसरा शॉर्ट नॉइज एंड फ्लिकर नॉइज भी होती है शॉर्ट नॉइज एंड फ्लिकर. मैं इसको S और FCD नोट कर रही हूँ. ड्यू टू बेस बायस करंट. ड्यू टू किसकी वजह से होती है बेस बायस करंट की वजह से होती है. दैट मीन्स ये किसकी वजह से होती है बेस बायस करंट की वजह से होती है. एंड शॉर्ट नॉइज ड्यू टू कलेक्टर. इसमें शॉर्ट नॉइज भी होती है एक तो शॉर्ट नॉइज आपने पढ़ा एक इसमें शॉर्ट नॉइज होती है ड्यू टू कलेक्टर बायस करंट. ठीक है FET क्या होता है FET में जो नॉइज होती है इट इज ड्यू टू द चैनल थर्मल नॉइज करंट. ये चैनल
चैनल थर्मल नॉइज करंट की वजह से होती है, ओके, एंड चैनल फ्लिकर नॉइज करंट की वजह से भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका एवलेंशी फोटोडायोड है, इसमें जो मेजर नॉइज सोर्सेज होते हैं वो सब कुछ होता है, इसमें थर्मल नॉइज भी होती है, ओके। इसमें जो है आपका जो एवलेंशी फोटोडायोड होता है प्रोड्यूसेस अ मच हायर लेवल ऑफ नॉइज, एंड इसमें थर्मल नॉइज भी होती है, इसमें शॉर्ट नॉइज भी होती है, इसमें डार्क करंट नॉइज भी होती है, ठीक है। तो एवलेंशी मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट्स इन अ कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस नॉइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, आपका आंसर होगा सी, ए। किसके, इसने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एवलेंशी फोटोडायोड हो गया, APD, देन आपका ट्रांजिस्टर हो गया, देन आपका फेट हो गया, एंड देन आपका डायोड हो गया। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, CBDA, CB, फिर D, फिर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर डेंसिटी इन वेरियस रीजन्स ऑफ आयनोस्फीयर। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपको इतना पता होना चाहिए, स्काई वेव प्रोपिगेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इट इज़ यूज इन फ्रीक्वेंसी रेंज MF। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, देखिए नंबर ऑफ लेयर्स जो आयनोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं DE F1 F2, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज, व्हेन देयर इज सन्स एनर्जी अवेलेबल, तो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू आयंस व्हिच आर सेड टू बी आयनाइज्ड। नाइट टाइम में ये दोनों लेयर्स नाइट टाइम में काम करती हैं, कंबाइन टू फॉर्म एफ लेयर, यहाँ पे F1 प्लस F2 कंबाइन टू फॉर्म एफ लेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई लेयर पार्शली डिसअपियर हो जाती है एंड डी लेयर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो, इसको हम स्काई वेव प्रोपिगेशन बोलते हैं, स्काई वेव प्रोपिगेशन बोलते हैं, जिसको हम आइनोस्फेरिक प्रोपिगेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 300 किलोहर्ट्ज़ से 3 MHz तक होती है, राइट। उसके बाद और HF में होती है ये, एक तो मीडियम फ्रीक्वेंसी में होती है और एक HF में, हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है 3 to 30 MHz होती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मोर देन 30 MHz फ्रीक्वेंसी आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आइनोस्फीयर। जो मोर देन फ्रीक्वेंसी 30 MHz है, दिस फ्रीक्वेंसीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक बाय आइनोस्फीयर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आयनाइजेशन डेंसिटी जो होती है इट इज़ हाई इन F2 लेयर एंड लो इन डी लेयर। तो इसमें जो इसकी होगी F2 लेस देन F1 लेस देन E लेस देन D होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा BADC, दैट मीन्स F2 F1 ED, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द IC लॉजिक फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर राइज टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। सी, राइज टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द आउटपुट टू स्विच फ्रॉम 10 to 90% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। राइज टाइम जो होता है इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रोपिगेशन डिले। प्रोपिगेशन डिले जो लॉजिक गेट्स में होता है इट इज़ टिपिकली रिलेटेड टू द राइज टाइम एंड फॉल टाइम, ठीक है। दैट इज़ द टाइम टेकन टू चेंज द आउटपुट बेस्ड ऑन द चेंज इन इनपुट। तो इसमें जब हम एनालिसिस करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ECL है, जैसे इसने क्या बोला है ये क्वेश्चन में, MECL, CMOS, लो पावर शॉर्टकी TTL एंड PECL। देखिए ECL नेवर गोज इनटू सैचुरेशन, इट इज़ द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। तो ECL में जो प्रोपिगेशन डिले होता है आपका वो होता है 1 to 2 nanoseconds, एंड CMOS का जो होता है प्रोपिगेशन डिले ये 20 to 50 nanoseconds होता है। लो पावर शॉर्टकी DL का 10 nanoseconds होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 20 to 50 nanoseconds। अब ये पी मीडियम है या ये PECL दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि राइज टाइम ऑफ PECL इज लेस देन राइज टाइम ऑफ मीडियम जो ECL की फैमिली है। तो PECL, देन MECL, फिर TTL, देन फिर CMOS, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स सबसे पहले PECL का कम होगा, फिर आपका MECL का होगा, फिर लो पावर शॉर्ट की TL का होगा, फिर CMOS का होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू प्रॉपरली रन द टाइप 4 इंटरप्ट इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर। देखिए इसमें क्या है, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फॉलोइंग एक्शंस आर परफॉर्म्ड
बाय द 8086 ऑन रिसीविंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट. पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट INT, फिर उसके बाद टाइप नंबर, फिर टाइप नंबर हो गया, फिर वेयर, ये जो टाइप नंबर है इट वेरीज फ्रॉम 0 to 255. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑन रिसीविंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड पुशेज द फ्लैग रजिस्टर एंड पुशेज फ्लैग, मेरा ये जो आपका फ्लैग रजिस्टर है इट पुशेज फ्लैग रजिस्टर बाय 2 ऑन स्टैक, सॉरी ऑन स्टैक में ये पुश करता है. नाउ दूसरा क्या करता है कि इट रीसेट्स इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग. फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, अगेन इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड पुशेज द करंट सेगमेंट रजिस्टर कंटेंट्स ऑन स्टैक. फिर क्या करता है ये, इट लोड्स द इंस्ट्रक्शन जो ये लोड करता है, ये रीसेट किया, फिर इसने ये थर्ड ऑप्शन हुआ, ये फोर्थ हुआ. इट लोड्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द वर्ड लोकेशन टाइप नंबर. फिर उसके बाद CS जो आपका है, यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हो गया. नहीं, सुनो, मैंने कुछ थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट. ओके, ये जो है आपका मॉडिफाई कर देती हूँ, रुकिए. ये जो मैं इसको इतना कर देती हूँ, ठीक है. एक्चुअली मैंने जब लैपटॉप चेंज कराया वो उसमें जो मैंने रिकवर किया हुआ है इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सेटिंग सारी चेंज हो गई है. ओके, अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, पहले तो क्या होता है कि ये फॉर्मेट होता है रिक्वेस्ट INT एंड टाइप. ओके, तो पहला क्या है, डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड पुशेज द फ्लैग रजिस्टर ऑन स्टैक. सेकेंड क्या है, इट रीसेट्स द इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग. तीसरा क्या है, इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड पुशेज, ये क्या करता है, करंट सेगमेंट को स्टैक में लाता है. फिर फोर्थ पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा कि ये जो है, अगेन इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड देन क्या करेगा ये, इट पुशेज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड पुशेज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेंट्स ऑन स्टैक. स्टैक में फिर उसके कंटेंट्स को पुश करेगा. फिर फिफ्थ पॉइंट ये है कि इट लोड्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द वर्ड टाइप नंबर. फिर CS इज लोडेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ नेक्स्ट वर्ड लोकेशन. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि इसमें ये क्या कह रहा है कि जो आपने BCAD कह रहा है, मतलब पहला तो ये स्टेप आएगा, पुशेज द फ्लैग रजिस्टर ऑन द स्टैक, देन आपका ये फर्स्ट स्टेप होगा, फिर रीसेट्स ट्रैप फ्लैग एंड इंटरप्ट फ्लैग, देन पुशेज द CS एंड IP वैल्यू ऑन स्टैक फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन गेट्स द CS वैल्यू फॉर स्टार्ट ऑफ इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर. ओके, तो यहाँ पे ये चार स्टेप्स हैं जिनकी वजह से इसने बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू प्रॉपरली रन द टाइप 4 इंटरप्ट इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, टाइप 5 टू टाइप 31, टाइप 5 टू टाइप 31 जो हैं इंटरप्ट्स जो हैं दे आर रिजर्व्ड, ये रिजर्व्ड हैं. और जो इंटरप्ट्स 32 to 255 हैं, टाइप 32 से 255 की जो इंटरप्ट्स हैं दे आर अवेलेबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ रही हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. मेरी सेटिंग्स बिल्कुल चेंज हो गए तो भी मैं थोड़ा सा कंपैटिबल नहीं हो पा रही हूँ लैपटॉप में. प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलेगा. थैंक यू वेरी मच. ओके.